186 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जब पेरेग्रिन फाल्कन आसमान में गोते लगाते हैं तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इस प्राणी से तेज भी धरती पर कुछ होता होगा। पेरेग्रिन फाल्कन को बड़े पंख, एक अनोखी पार की नज़र, शानदार हंटिंग टैक्टिक्स और ताकत का स्वामी कहना गलत नहीं होगा। ये वो स्काई मास्टर है जिन्हें आसमान की मिसाइल कहा जाता है। रफ्तार के मामले में अपने परिवार के सदस्यों को भी मात देने वाले पेरेग्रिन फाल्कन एक ऐसे शिकारी हैं जो किसी पर भी रहम नहीं दिखाते। हवा को चीरते हुए ये अपने शिकार को इस तरह फाड़ डालते हैं जैसे इन्हें सदियों से भोजन नसीब ही ना हुआ हो। ये लाजवाब शिकारी अपने आप में एक परफेक्ट प्रीडेटर है जो एनिमल किंगडम के जीवों को अपनी रफ्तार के नीचे दबा कर रखता है। आज के हमारे इस हीरो की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस वीडियो में हम इसके कुछ हैरतअंगेज़ कारनामे और बेहतरीन फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पेरेग्रिन फाल्कन अपने आप में ही एक परफेक्शन का जीता जागता नमूना है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने इस जीव को अपने बेस्ट मूड में क्रिएट किया होगा, तभी तो खूबसूरती और ताकत का ऐसा मेल हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। नॉर्थ अमेरिका में डक हॉक के नाम से मशहूर ये पक्षी बहुत ही अद्भुत है। अपने शिकारियों के लिए भले ही ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स के लिए सदियों से ये अध्ययन का जरिया रहा है। फाल्कन प्रजाति से संबंध रखने वाले पेरेग्रिन फाल्कन सबसे बड़े और ताकतवर पक्षी हैं। पृथ्वी के सभी द्वीपों पर अलग अलग नाम से फैली हुई फाल्कन प्रजाति के लगभग 60 वैरायटीज अस्तित्व में हैं और सभी अपने आप में असीम ताकत के मिसाल हैं। बड़े पॉइंटेड पंख, छोटी पूंछ, एक चौड़ी छाती, गहरे रंग का सर और एक नुकीली चोंच के साथ फाल्कन्स को जंगलों में दूर से ही पहचाना जा सकता है। इन जीवों का सर गहरे रंग का होता है जबकि निचला भाग लाइट रंग का होता है। इसके अलावा फाल्कन के बड़े पंखों में डार्क स्ट्राइप्स होती हैं जो बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। एक बड़े शरीर के साथ ही ये विकसित नुकीले पंजों के मालिक होते हैं जो इनके शारीरिक फीचर्स में चार चांद लगाते हैं। यही नुकीले पंजे फाल्कन को बेरहम तरीके से चीर फाड़ करने की शक्ति देते हैं। जंगल में ये जीव छोटी से लेकर मध्यम आकार के सभी पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं। फेरल पिजन से लेकर वुड पिजन्स, ब्लैक बर्ड, स्टारलिंग्स एंड ब्लैक हेडेड गल्स तक हर कोई इनकी फूड लिस्ट का हिस्सा है। इसके अलावा कई मौकों पर इन्हें मैमल्स पर भी हमला करते हुए और उनका शिकार करते हुए देखा जाता है। फाल्कन की खासियत है कि हॉरिजॉन्टली उड़ते हुए उनकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जो कि एक बड़ी बात नहीं है क्योंकि बाकी पक्षी भी इस रफ्तार को पा सकते हैं। लेकिन इनका असली फीचर है वर्टिकल फ्लाइट। आसमान में उड़ते हुए ये शिकारी 90 से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली डाइव कर सकते हैं, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो ये अपनी जी जान से जमीन की ओर सीधा उड़ सकते हैं और उसी स्टाइल में अपने शिकार को मात भी दे सकते हैं। इस तरह की उड़ान भरने के लिए फाल्कन पहले ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और फिर अपने टारगेट पर निशाना साधकर पूरी रफ्तार से नीचे की ओर आते हैं। स्पीड को बढ़ाने के लिए और एयर रेसिस्टेंस को घटाने के लिए वो अपने पंखों को अंदर की ओर सिकोड़ लेते हैं। ऐसे में इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर इस रफ्तार से वो तीर की तरह अपने टारगेट पर हमला साधते हैं। अपने पंजों से उन पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके नीचे गिरने पर मजबूर कर देते हैं। ये क्लिप साफ दिखाती है कि इनका हमला कितना शानदार है। इस तरह से शिकार को मारने में इन्हें महारत हासिल है। अगर एक बार इनका शिकार फाल्कन के पंजों में आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फाल्कन के पंजे काफ़ी मजबूत होते हैं। इनके शार्प टैलन्स का आकार लंबाई में 1 इंच तक होता है और ये नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। यही वजह है कि इनकी स्पीड काफ़ी टाइट होती है। छोटे पक्षी और मैमल्स इन पंजों में आने के बाद एक ही मिनट में अपनी जान गंवा बैठते हैं। आगे इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि फाल्कन ने कितनी बेरहमी से पक्षी को अपने पंजों के नीचे दबा कर रखा है। पक्षी चाहकर भी अपना रक्षण नहीं कर पा रही है। दोस्तों, ये क्लिप्स बताती हैं कि फाल्कन आसमानी नहीं बल्कि ज़मीन पर भी पूरी ताकत के साथ शिकार करना जानते हैं। दिन के उजाले में पहाड़ी इलाके से लेकर खुले मैदानों तक किसी भी सतह पर शिकार को दूर से ही स्पॉट कर सकते हैं। फाल्कन की आदत होती है कि ये ऊंची टहनियों या पहाड़ी चट्टानों पर बैठकर दूर दूर से झांक कर शिकार का पता लगाते हैं। जैसे ही इन्हें अपना टारगेट नज़र आता है, ये पूरे जी जान से उड़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। उड़ान भरने के साथ ही इनकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू होती है, जो स्थिति के हिसाब से तेज और कम होती रहती है। दोस्तों, एनिमल किंगडम के सबसे प्रोफेशनल हंटर होने के बाद भी जंगल में शिकार को पाना इनके लिए आसान नहीं होता। हर दिन कई चुनौतियां इनके सामने आती हैं और इन्हें इसी स्तर पर जाकर अपने सर्वाइवल के लिए शिकार करना होता है। जाहिर सी बात है कि हर जीव खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं और कभी ऐसी रणनीति लगाते हैं जिसे पकड़ने में फाल्कन को भी समय लगता है। असली परेशानी तो तब होती है जब शिकार आकार में फाल्कन से भी ज़्यादा बड़ा होता है। एक बड़े प्रे को अपने जाल में फंसाकर शिकार करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये अपने वर्टिकल स्ट्रोक हमले का सहारा लेते हैं। इस हमले के दौरान इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ये किसी चीज़ से टकरा जाए तो उसका घायल होना तो पक्का है। इसलिए इनका एक जीता जागता उदाहरण आपको दिखाते हैं।
इस क्लिप में फैल्कन पूरी स्पीड से वर्टिकली स्ट्रोक हमले का सहारा लेते हुए अपने शिकार पर वार करता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा पक्षी किस स्पीड से जमीन की ओर गिरता है। इसके नीचे गिरते ही फैल्कन अपने शिकार को लेने के लिए मौके पर पहुंच जाता है। ऐसा ही एक और दमदार हमला आपको दिखाते हैं, जहां फाल्कन एक वाइल्ड डक के सर पर तीर से भी तेजी से हमला करता है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि फाल्कन कैसे बिजली की तरह पक्षी के गर्दन पर वार करती है, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये शिकारी अपने शिकार की तरफ जाती है जो पहले ही दम तोड़ चुकी है। दोस्तों, ऐसी और भी कई क्लिप्स हमें मिलती हैं जहां इसी टैक्टिक से फाल्कन पक्षियों को घायल करती है। आपको बता दें कि इस फियरलेस प्रीडेटर को हॉक जैसी खतरनाक और बड़े आकार के पक्षियों से लड़ने में जरा भी डर नहीं लगता। बैटल ऑफ से इनका गहरा नाता है और ये बिना हिचकिचाए जंगल में किसी से भी उलझने के लिए तैयार रहती हैं। खास तौर पर तब जब बात इनके परिवार पर आती है तो इनके गुस्से और आक्रामकता को रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामले में ये बहुत बड़े साइज वाले एग्रेसिव जानवरों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें हॉक ने फाल्कन से उलझने के लिए उसके परिवार को निशाना बनाया है। हम सभी जानते हैं कि ताकत, फुर्ती और फीचर के मामले में हॉक भी मंझा हुआ खिलाड़ी है। दरअसल इस शिकारी ने दूर से ही चट्टान पर बनाए फाल्कन के घोंसलों को स्पॉट कर लिया है और अब ये तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इस हिमाकत से नाराज फाल्कन आक्रामक होकर हॉक पर लाइटिंग स्ट्राइक की तरह टूट पड़ता है और जोरदार हमला करता है। एक सेकंड के लिए लगता है कि हॉक बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाला है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है जो वो इस हमले को झेल जाता है और इसके बाद अपना रास्ता बदल देता है। इस बीच ये फाल्कन भी अपने परिवार के पास पहुंच जाता है और अपने बच्चों को भोजन कराता है। दोस्तों, एक बारी को तो लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर पेलिकन बर्ड्स भी अपना जोर आजमाने के लिए फाल्कन के घोंसलों की तरफ आती हैं। हालांकि ये जीव बड़े साइज की बर्ड्स हैं जिनसे जीतना आसान नहीं है, लेकिन बेहद बहादुरी के साथ फाल्कन इन शिकारियों पर हमला करती है। हमले के लिए ये अपने शार्प नुकीले पंजों का इस्तेमाल करती है और दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी को घायल करके पानी में गिरा देती है। एक एक को ठिकाना लगाने के बाद फाल्कन बाकी दो पेलिकन्स का भी वही अंजाम करती है। दोस्तों, ये क्लिप जीता जागता नमूना है कि फाल्कन की स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये रफ्तार हमेशा काम नहीं आती। कुछ ऐसे शिकारी भी जंगल में मौजूद हैं जिनके खिलाफ जीतने के लिए स्पीड से ज़्यादा रणनीति की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर बाल्ड ईगल को केवल स्पीड से मात देना आसान नहीं है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि फाल्कन के आने का अंदाज़ा बाल्ड ईगल पहले से ही लगा लेता है और अपने शरीर को मोड़कर पंजों को फाल्कन की तरफ कर देता है, और फाल्कन आखिरी मौके पर अपना हमला रोक देता है ताकि वो खुद ईगल का शिकार न बन जाए, और इन दोनों के बीच की ये लड़ाई यहीं पर थम जाती है। फाल्कन भी बैटल ऑफ को छोड़कर अपनी दिशा बदल लेता है। दोस्तों, इन मामलों और फीचर्स को देखने के बाद फाल्कन जैसे शिकारी में हमें कोई कमी या ऐब नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे चांद में भी दाग होता है, ठीक उसी तरह इस जीव की भी एक कमजोरी होती है, और इसी कमजोरी के चलते ये रात को शिकार नहीं कर पाते। इनकी आंखें दिन में भले ही कमाल करती हैं, लेकिन रात में ये देखने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उल्लू इस जीव पर रात में अपना जोर आजमाते हैं और कई बार इन्हें घायल कर देते हैं। इसके जवाब में फाल्कन केवल सुबह होने का इंतजार कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी लाजवाब और जबरदस्त शिकारी के कुछ रोमांचक बैटल ऑफ जो बताती हैं कि दुनिया के सबसे तेज पक्षी क्या कुछ करने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे तेज पक्षी कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।